अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर सुनवाई आज होने वाली है। एक और दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट आज के दिन की होने वाली है। जी हाँ, आज दोस्तों डीएलएड वर्सेस बीएड पूरा मतलब केस फाइनल हो जाएगा कि प्राथमिक में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए 15 अक्टूबर को आएगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए, 15 अक्टूबर से पहले ये रिजल्ट आ सकता है दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए 15 अक्टूबर से पहले कभी भी घोषित किया जा सकता है रिजल्ट। ये दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। अब रिजल्ट किसी भी वक्त जारी हो सकता है, क्योंकि आज हमारी तारीख है 13 अक्टूबर, ठीक है, कल 14 तारीख, फिर 15, मतलब एक दो दिन, मतलब कभी भी अब आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगले 24 से 48 घंटे में रिजल्ट हमारे सामने हो सकता है। एक और दोस्तों बड़ी खबर, जरा देखते हैं इसको। अतुल प्रसाद सर का एक नया ट्वीट सामने आया था, इसको काफी बच्चों ने अलग अलग तरीके से डिकोड किया है। बिलीव इट आर नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ टीआरई रिजल्ट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ 43, 38, 1634 मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस डू अवर जॉब। हिंदी में दोस्तों इसका मतलब होता है विश्वास करे या ना करे, टीआरई परिणामों की घोषणा में 43, 38, 1634 योग्यता सूची तैयार करना शामिल है, अभ्यर्थी धैर्य रखे और हमें अपना काम करने दे, ठीक है। तो सभी बच्चों ने दोस्त इसको डिकोड कैसे किया, 43 का मतलब 43 सब्जेक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट मतलब 38 जिला, ठीक है, 1634 मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी बच्चों ने, भैया देखिए सभी बच्चे यहाँ बहुत ही एक्सपर्ट हैं, अलग अलग तरीके से इसको डिकोड करना जानते हैं कि कैसे इसको हम डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल भाषा नहीं थी कि सभी बच्चे देखते समझ जाए यार 43 का मतलब क्या है, 38 का मतलब क्या है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, जो हमारी पीआरटी है इसमें दोस्तों जो पासिंग मार्क भी रखी गई है, 38 नंबर भी है, 43 भी है, 48 भी है, 40 नंबर भी है, ठीक है, उससे भी हम कुछ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और देखिए अतुल सर का दोस्तों एक और ट्वीट आया था कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, गलत सर्टिफिकेट इन्होंने पेश किया था लेकिन उन्होंने बाद में सही सर्टिफिकेट पेश नहीं किया, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ऐसे बच्चे जो गलत सर्टिफिकेट रखे हैं या पेश करेंगे, ठीक है, उनका चयन निरस्त हो जाएगा, ये बात एकदम कन्फर्म है। तो आज का दिन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आज ही दूध का दूध पानी का पानी होगा कि बीपीएससी, ठीक है, पीआरटी में बीएड छात्रों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मामला केवीएस को लेकर भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, केवीएस का बीपीएससी का मतलब प्राथमिक में बीएड छात्र रहेंगे या नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्लियर आ चुका है। लेकिन ये दोस्तों लास्ट वैकेंसी होगी बीएड छात्रों की, एक बात याद रखिएगा, अगर मौका मिलता है तो ये अंतिम वैकेंसी होगी। अगर बीएड के छात्र आएंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने ही रखेंगे। लेकिन एक और खबर आ गई, नियोजन इकाई सचिव को अल्टीमेटम मिला है, शिक्षक नियोजन अभी अपडेट को देखेंगे। बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, लेकिन उसके लिए इनको एक एग्जाम देना पड़ेगा, अगर वो 3 बार फेल हो गए तो सेवा समाप्ति मतलब नौकरी खत्म हो जाएगी उनकी, ठीक है। क्या कटाव हो सकती है दोस्तों, सारी अपडेट हम देखेंगे। बेरोजगारी 6 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर, मोदी जी कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है, मतलब कहने का ये है कि भैया इस समय जो इस आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को क्या रोजगार मिल चुका है क्या, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों शिक्षक भर्ती ही नहीं आ रही है, 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, यही वैकेंसी आई थी 2018 में, उसके बाद से दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। और ऊपर से बोला जा रहा है कि अब बेरोजगारी सबसे निचले स्तर पर, ठीक है। पिछले कुछ सालों में आपको बता दें, लास्ट कुछ ईयर में डीएलएड के काफ़ी कम बच्चों ने एडमिशन लिया था, बीएड के काफ़ी बच्चों ने भैया एडमिशन लिया, ठीक है, ताकि उनको नौकरी मिल सके। अब बीएड को भी प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। और 28 व 29 अक्टूबर को पेट का पेपर होगा, दूसरी परीक्षाएँ नहीं होंगी इस दिन। अगर कोई पेपर इस डेट को पढ़ रहा है 28 और 29 तारीख को, तो वो परीक्षाएँ टाल दी जाएंगी, इस दिन सिर्फ पीईटी का एग्जाम होगा। देखिए कुछ पेपर तो भैया साल में बहुत बढ़िया ढंग से हो रहे हैं, जैसे एक तो पेट का पेपर हो गया, एक तो सीटेट का पेपर होगा, कुछ कहना ही नहीं है, ये सब अपना पेपर कराएंगे, वैकेंसी आए
या ना आए। लेकिन अच्छी बात है, जो बच्चे सीटेट नहीं क्लियर कर पा रहे उनके लिए मौके पर मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मौके पर चौका मार दीजिए, नहीं तो वैकेंसी आ गई तो आप हाथ धो बैठेंगे बड़ी बड़ी वैकेंसी से। उत्तर प्रदेश में दोस्तों वैकेंसी बहुत ही जल्दी आ सकती है, ठीक है। अब ये वैकेंसी का बाकी देखिए, एक बात बताते, जो ये वैकेंसी आती है बताकर कभी नहीं आती, याद रखिएगा। जो बिहार में भी वैकेंसी आई थी 79943 पदों पर, किसी को एक साल पहले ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये वैकेंसी आ सकती है, कुछ महीने पहले भी नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत से बच्चों ने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा था। जब वैकेंसी आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई कि भैया इतनी बड़ी वैकेंसी आ गई और हमारा सीटेट नहीं क्लियर है, इस वजह से हम इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। देखेंगे आप लोग, बहुत से अपीयरिंग बच्चे सीटेट के बाहर हो सकते हैं। बीपीएससी में तो उन्होंने 70 नंबर तक पहुंच गए, लेकिन जब सीटेट ही नहीं क्लियर होगा 90 नंबर से तो कैसे काम चलेगा। अदर स्टेट के बच्चों के लिए, जो दूसरे राज्यों के बच्चे, उनको 90 नंबर चाहिए, ठीक है। चलिए पहले न्यूज़पेपर की अपडेट को देखते हैं। बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में चल रहे शिक्षक नियुक्ति में बीएड योग्यताधारियों को वर्ग 1 से 5 में शामिल करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर रीट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दायर रीट याचिका दायर करने वाले मुख्य याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव तथा मीकू पाल ने बताया कि जस्टिस एएस बोपन्ना एवं एम सुंदरेश की खंडपीठ में मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि बिहार लोक सेवा आयोग के नोटिफिकेशन के शर्तों के अनुसार ही बीएड डिग्रीधारियों ने प्राथमिक में शिक्षक बनने हेतु आवेदन किया था, परंतु अब उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। पहले भी 200 बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक में हुई है बहाली। जी हाँ दोस्तों, पहले का मतलब 69,000 भर्ती जो अभी हम आपके सामने रिजल्ट रख रहे थे, वहां पर भी तो बीएड के बच्चों को नौकरी दे दी गई, तो क्या यहां पर भी दी जाएगी। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव व मीकू पाल ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि एनसीटीई के जिस गजट को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है, उसी गजट से पूरे देश में लाखों बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में बहाल हुए हैं। बिहार में भी 6ठे चरण में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक में शिक्षक बने हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केंद्रीय विद्यालय में भी प्राथमिक में बीएड योग्यताधारी बहाल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब इससे पहले जब बीएड के बच्चों को नौकरी दे दी गई और ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी होने के पहले बीएड के बच्चों ने आवेदन किया था, तो इसमें मौका क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। सवाल दोस्तों ये है बीएड छात्रों का, तो अब डीएलएड के बच्चे इस पर रिप्लाई करेंगे। जो बच्चे डीएलएड से आते हैं, बीटीसी से आते हैं, वो बच्चे अपना रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,70,000 रिक्त पदों पर शिक्षक की नियुक्ति के लिए बीते दिनों ली गई परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर को संभावित है। सभी श्रेणियों का रिजल्ट एक साथ आएगा। बीपीएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में है, 15 या 16 अक्टूबर को इसे निकाल दिया जाएगा। देखिए, सभी का रिजल्ट एक साथ आएगा, ये बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा है सभी श्रेणियों का रिजल्ट। देखिए, हम नहीं कह रहे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग बता रही है, पटना से अपडेट आ रही है, ठीक है। उधर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी गुरुवार को देर शाम ट्वीट करके रिजल्ट के जल्द निकलने की बात कही है और इसमें लग रहे समय की वजह 1634 मेरिट लिस्ट का एक साथ बनाया जाना है। अलग अलग आरक्षण श्रेणी के और विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के 43 अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ 38 जिलों के लिए भी इन्हें अलग अलग बनाया जा रहा है। इन सबसे मेरिट लिस्ट की कुल संख्या बढ़कर बहुत अधिक हो गई है, जिनको अंतिम रूप देने में समय लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब क्या गजब की सरकार है बिहार की, कि आप लोगों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अतुल सर का दोस्तों धन्यवाद, ठीक है, कि जो भी हो रहा है एक एक बात दोस्त ये हमें ट्विटर के माध्यम से बता देते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है, और दोस्तों हम आपको यूट्यूब के माध्यम से आप तक ये न्यूज़ पहुंचाते हैं, ठीक है। और दोस्तों अदर राज्यों में यूपी की बात कर ले तो भैया यहां तो वैकेंसी का कोई नाम ही नहीं, यहां छात्र शिक्षक अनुपात कहा जा रहा बराबर है। सरकार ने यूपी में खुद ही कहा था कि 51,112 पद हमारे पास खाली है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, शिक्षा मित्रों को मौका देने की बात थी, तब दोस्तों सरकार अब खुद के बातों से ठीक है पीछे हट रही कि हम खुद कहते कि वैकेंसी आएगी। अब बताइए, सीटेट बिहार टेट दिसंबर नोटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, सीटेट का तो नोटिफिकेशन आएगा, बिहार टेट का कुछ कहा नहीं जा सकता भैया, लेकिन सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जो भी हमारी जूनियर की वैकेंसी आ रही है, जूनियर वाली 45,000 रुपये सैलरी रहेगी, जिसमें अगर आप उसमें नौकरी पाना चाहते हैं, वहां पर मौका डीएलएड को भी मिलेगा, बीएड को भी मिलेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों डीएलएड के बच्चों को 9 से लेकर 12 तक में कोई मौका नहीं रहेगा। तो डीएलएड वर्सेस बीएड 13 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आपने क्या कहा,
पल पल की अपडेट आज हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और हमारे परिवार का एक सदस्य बनिए। तो जो भी दोस्तों बातें रहेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे, DLED की हर एक अपडेट इस YouTube चैनल पर आपको मिलती रहेगी, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट एक साथ आने वाला है, देखिए इतना बड़ा रिजल्ट, ठीक है, छोटा मोटा रिजल्ट नहीं। देखिए सिर्फ अगर 1-5 क्लास का रिजल्ट होता कोई दिक्कत नहीं, भैया रिजल्ट तुरंत जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जब आपने फॉर्म भरा तो याद रखिएगा आपने 3 जिलों का नाम दिया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा जिला, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट, उसके हिसाब से हो सकता है कि आपको मौका मिले नौकरी करने का। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सैलरी देख लीजिएगा, जो भी हमारी आय के मध्य वाली वैकेंसी, यहाँ पर 45,000 सैलरी है। इसके लिए हमें सीटेट का एग्जाम पेपर 2 क्लियर करना जरूरी होगा, जब सीटेट का पेपर 2 क्लियर होगा तब जाकर आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे आपका पेपर 1 क्लियर था तो आप प्राथमिक में पार्टिसिपेट कर पाए थे, पेपर 2 क्लियर होगा तो ये जूनियर वाली वैकेंसी में आ पाएंगे, ठीक है। तो सैलरी दोस्तों जो आ रही है, वैकेंसी चल रही है फिलहाल, 40,000 प्राथमिक में मिलेगी, 49,000 माध्यमिक में और 51,000 उच्च माध्यमिक। तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन ये सैलरी काफ़ी ठीक है प्राथमिक में। चलिए दोस्तों ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, और फाइनल कट ऑफ की बात कर लें कि अगर सब कुछ सही रहा, अगर बीएड के छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर अपडेट आ गई, तो ये मान के चलिएगा 38 नंबर जो मिनिमम पासिंग मार्क है, इस नंबर पर भी किसी न किसी भाई या बहन की नौकरी लगेगी, आप बस रिजल्ट का इंतजार करिएगा। कैटेगरी कोई भी हो सकती है लेकिन नौकरी मिलेगी ना, ये इंपॉर्टेंट है। 120 नंबर में अगर 38 नंबर पर आपको नौकरी मिल जा रही है, भाई इससे अच्छी किस्मत क्या कहेंगे आपको। बाकी दोस्तों देख रहे हैं आप, मोदी जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी 6 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर, मतलब कि अब बेरोजगार बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, सशक्त युवा शक्ति को देश के विकास का आधार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पहले की सरकारों ने कौशल का महत्व नहीं समझा, जबकि वर्तमान सरकार ने इस पर सबसे अधिक निवेश किया है। चलिए कोई बात नहीं है, पेट का एग्जाम होने वाला है, यहाँ तैयार रहिएगा। ये सब एग्जाम का कोई मतलब नहीं, इनको दोस्तों पेट का एग्जाम एक बार कराना चाहिए भैया, 10 साल के लिए इसका सर्टिफिकेट वैलिड कर दीजिए। बार बार बच्चे पेट का एग्जाम हर साल दे रहे हैं। अब सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो क्या होता है, लाइफ टाइम वैलिड है ना, एक बार पास कर लिए, ऐसा ना हो कि बार बार सीटेट का पेपर आ रहा बार बार आप दे रहे, क्या मतलब है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, ठीक है, व्हाट्सएप से आपको हमारे साथ जुड़िए फ्री में, जैसे टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े थे, लेकिन अब टेलीग्राम से बेहतर व्हाट्सएप ही है दोस्तों, क्योंकि आप सभी के मोबाइल में व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप पर प्राइवेसी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। अब व्हाट्सएप से आप जुड़ेंगे तो आपका नाम आपको शो नहीं करेगा, पहले क्या दिक्कत थी, आपका नंबर शो होता था, कोई आपको मैसेज करने लगता था, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो, और नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर इंतजार करिएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की अपडेट आ सकती है।